हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले बता दें आपको कि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ये नहीं सीखना है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और भी बातें हम लोग सीखेंगे, लाइक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड नहीं होता है। जब दो मैट्रिसेस अलग अलग ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा ऑर्डर का मैट्रिसेस मिलना चाहिए, इन सारी बातों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर आपको हम थ्योरेटिकली बताएं कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है तो शायद आपको समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे। ठीक, लेकिन वहीं अगर मैं एग्जांपल के थ्रू जाऊंगा तो आपको क्विक समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो सपोज ए इज द मैट्रिक्स हुज वैल्यू इज 1, 2, 4, 6। ओके, नाउ दिस इज द मैट्रिसेस बी हैविंग नंबर 5, 6, 4 and 3। चलो अब बताओ बच्चों कि जो ए का ऑर्डर है डेट आर 2x2 और बी का ऑर्डर है 2x2। ठीक है, तो आप इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर सपोज मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड ए बी या बी ए, या तो आपको ए बी फाइंड करने के लिए देगा या तो बी ए, या हो सकता है दोनों दे दे, ये भी कोई बात नहीं है, दोनों भी दे सकता है। तो सपोज आपको पहले फाइंड करना है ए बी, इट मीन्स मैट्रिसेस बी मल्टीप्लाई विथ ए, ये हमें ये बता रहा है, एंड बी ए बता रहा है मैट्रिसेस ए मल्टीप्लाई विथ बी, ये बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आप ए बी फाइंड करोगे तो ए को पहले लिखोगे, बी को बाद में लिखोगे, अगर बी ए फाइंड करोगे तो बी को पहले लिखोगे, ए को बाद में लिखोगे। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं ए बी के तरफ। तो बताया अभी कि ए को पहले लिखोगे, बी को बाद में, तो हम ए बी बराबर लिख सकते हैं, मैट्रिसेस ए है 1, 2, 4, 6। ओके, और मैट्रिसेस बी है आपका विथ मल्टीप्लिकेशन साइन, और मैट्रिसेस बी है 5, 6, 4, 3। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका रो लेंगे। ठीक है, पहला इसका रो हमने लिया। ठीक है, इसके रो और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो पहला मैट्रिसेस हम लिखे हैं उसका हम लोग कंसिडर करेंगे रो, और जो सेकंड मैट्रिसेस है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे उसका कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ए बी जो मैट्रिसेस मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि जो आने वाला मैट्रिसेस है वो 2x2 है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े देर बाद मल्टीप्लीकेशन सीख जाने के बाद। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 × 5 प्लस, ठीक है, फिर 2 × 4 क्या हो जाएगा 2 × 4। ओके, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा। ओके, अब उसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ किए तो हमें सिर्फ मिला किसका, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आया उसकी वैल्यू मिली टोटल। ठीक, अब हमको यहाँ के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस रो का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम का ऑपरेशन खत्म हो गया, अब हम ऑपरेशन करेंगे इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें ऑपरेशन करना है इस कॉलम के साथ। ओके, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 × 6 प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के साथ, ये हो जाएगा 2 × 3। चलिए ऊपर के रो के जितने एलिमेंट्स हैं 2, ये आ गए। अब कोई फर्दर कॉलम रहता तो आगे एलिमेंट्स आता, लेकिन सिर्फ 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पर रो में टोटल एलिमेंट्स भी हमको 2 मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका ऑपरेशन खत्म हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं इस रो के बारे में, रो सेकंड। ठीक है, और इसको भी हम हटा देते हैं बच्चों, चलिए हटा दिए। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ का एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए इस रो का मल्टीप्लीकेशन इस फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, 4 × 5, ये हो जाएगा 4 × 5 प्लस 6 × 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। अब उसके बाद इस रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग किस कॉलम के साथ बच्चों, इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 6 प्लस 6 × 3। ठीक है, अब फाइनली ए बी जो मैट्रिसेस होगा वो क्या होगा, ठीक है, आपको एग्जाम में ये सारा लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 5 प्लस
टू इंटू फोर एट, तो एट और फाइव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फाइव प्लस एट, ओके, ये हो जाएगा फोर फाइव जा ट्वेंटी प्लस ये सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ओके, यहाँ हो जाएगा वन सिक्स जा सिक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स, ये हो जाएगा फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थ्री जा एटीन, ओके, आप सिंपली ऐड कर दो, तो यहाँ से हमें नया मैट्रिक्स जो मिलेगा डेटा ए बी वो हो जाएगा आपका एट फाइव थर्टीन और सिक्स सिक्स ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी हो जाएगा आपका फोर्टी फोर और चौबीस और अठारह हो जाएगा आपका बयालीस, ओके, तो नया ए बी क्या मिला हमें, इतने के बराबर मिला, ओके, तो आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली और बता देते हैं, ठीक है, इसका रो इसका कॉलम पहला एलिमेंट, फिर ये रो फिर ये कॉलम दूसरा एलिमेंट, फिर अब ये ऊपर वाला मिल गया, अब हम लोग सेकेंड रो में जाएंगे, सेकेंड रो का पहला कॉलम ये एलिमेंट मिला, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट मिला, ठीक है, ये अगर आपको थ्री क्रॉस थ्री का भी मैट्रिसेस है तो बिल्कुल आप इसी तरह करोगे। चलिए हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताएंगे, ठीक, अब हम लोग बताते हैं पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो गिवन मैट्रिसेस है वो मल्टीप्लाई ना हो पाए और ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो जाए। जब बच्चों मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस का नहीं हो पाता है तो हम बोलते हैं कि ए बी इज नॉट डिफाइंड, जब हो जाता है तो बोलते हैं ए बी इज डिफाइंड, तो कब डिफाइंड होगा कब डिफाइंड नहीं होगा यही हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं व्हेन मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन आर डिफाइंड एंड व्हेन नॉट डिफाइंड, ओके, तो हमको पता करना है कि कब मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन बच्चों डिफाइन होता है और कब नहीं होता है। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए इज द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है वन फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, और बी इज द एनदर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री हैविंग एलिमेंट्स फोर फाइव सिक्स एट नाइन टू थ्री फोर टू, ओके, अब यहाँ पर हमको सपोज फाइंड करना है, फाइंड ए बी, ए बी की मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है, तो जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको मैं कहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पर, तो ए को पहले मल्टीप्लाई करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ए को मैं यहाँ रखूँगा वन फाइव सिक्स सेवन, ओके, इन टू, अब बी क्या है आपका फोर फाइव सिक्स एट नाइन टू थ्री फोर टू। चलिए अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो को कंसीडर करेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमको जो भी एलिमेंट्स मिलेगा यहाँ फर्स्ट वाला एलिमेंट्स मिलेगा, चलिए वन को मल्टीप्लाई किए फोर के साथ तो ये हो गया वन इंटू फोर, प्लस फाइव को किए एट के साथ तो ये हो गया आपका फाइव इंटू एट प्लस। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि इस कॉलम में अभी भी एक एलिमेंट बच गया लेकिन रो में एक एलिमेंट कम है, मतलब कि इस रो में कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसका प्रोडक्ट जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, तो यहाँ से हमें कंसेप्ट क्या मिला कि अगर ए बी दो मैट्रिसेस गिवेन हो, अगर आपको फाइंड करना है ए बी, ओके, तो पहले मैट्रिसेस का हम लोग क्या देखते हैं, डिफाइन करने के लिए आपको ये बताना है कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, मैट्रिसेस ए जो पहला आया है उसका देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो कितना है बच्चों, दो है, चलिए दो हमने लिख दिया, लेकिन बी का देखते हैं हम लोग, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, ठीक है, तो इसके कॉलम में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यही कॉलम है, कितने हैं थ्री हैं, इसके कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थ्री हैं, तो बताइए क्या दो और तीन बराबर हैं, नहीं है, तो अगर, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, तो हम बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन आर
नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम किसी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, ठीक है, तो जो उसमें मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो फर्स्ट मैट्रिसेस होगा उसका देखेंगे हम लोग रो, रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और जो दूसरा मैट्रिसेस है उसका देखेंगे कि कॉलम में कितना एलिमेंट्स है। अगर दोनों के एलिमेंट्स की संख्या बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल, इज डिफाइंड। अगर ऐसा नहीं है तो डिफाइंड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। लेट ए बराबर, ओके, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 3, 8, 9, 6, यह मैट्रिसेस ए है जो कि 3x3 ऑर्डर का है। अब मान लीजिए बी एक मैट्रिसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर है आपका सपोज 2, 4, 6, 5, 8, 9, ये है आपका, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप मान लीजिए पूछा कि फाइंड ए बी एंड बी ए, ठीक है, ये आपसे दो क्वेश्चन पूछ दिया। तो सबसे पहले आप ए बी के लिए जाओगे, तो पहला मैट्रिसेस किसको रखोगे, ए को, और दूसरा मैट्रिसेस किसको रखोगे, बी को, क्लियर है। तो ए बी, तो यहाँ पर जब आप ए बी निकालने जाओगे बच्चों, तो सबसे पहले ये तो चेक करोगे कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है कि नहीं। तो ए का हमको क्या चेक करना है, ए का चेक करना है रो, ठीक है, और बी का चेक करना है हमको कॉलम, ठीक है। इसमें रो में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कॉलम में क्या देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए ए पर आते हैं, तो ए के लिए रो देखना है, ठीक, रो में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, टोटल हमें एलिमेंट्स मिले 3, और बी का हमें कॉलम चेक करना है, इसके कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसका है 2। तो बताइए क्या 3, 2 के बराबर है, नहीं है। तो अगर 3, 2 के बराबर नहीं है तो ए बी जो होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा, चलिए ठीक है, 5 × 5 25 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस 6 के लिए यहाँ इसके कॉलम में कोई भी थर्ड एलिमेंट नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कब आपका मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सा सवाल करते हैं। तो आज का जो बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ मैट्रिक्स A is of order 3x2 and B is of order 2x3, then find the order of AB। यार A एक मैट्रिसेस है, ठीक है, जिसका ऑर्डर दे रखा है कितना, 3x2, और B दूसरा मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर दे रखा है 2x3। क्या ये पूछा है कि अगर AB इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे तो what will be order of AB। तो बच्चों ये बताओ सबसे पहले कि आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कब करते हो, जब वो डिफाइन हो, और डिफाइन कब होगा, जब पहले की रो की नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे के कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए 3x2 मैट्रिसेस है, ठीक है, तो 3 क्या हमें बताता है, रो की संख्या, और 2 क्या बताता है हमें, कॉलम की संख्या। ठीक उसी तरह बी में टोटल रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, टोटल 3 है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ए के लिए बनाते हैं। तो ए जो मैट्रिक्स है वो 3x2 का है, 3x2 मतलब रो कितने होंगे, 3 होंगे, और कॉलम कितने होंगे, 2। तो देख लिए, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड हो गया, कॉलम 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, चलिए ठीक है। और बी मैट्रिसेस को देखते हैं यहाँ पर, क्लियर है, ये है आपका 2x3 का, तो मतलब रो की संख्या कितनी होगी, 2, और कॉलम की संख्या 3। तो पहले कॉलम 3 बना लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और रो कितना होगा बच्चों, 2 होगा। तो यहाँ पर आपका सिंपली 2 रो है। अब ये डिफाइन है कि नहीं, तो अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन पूछा है ए बी, तो ए बी में हम क्या करेंगे, पहले वाले का देखते हैं क्या रो, और दूसरे वाले का देखते हैं हम लोग कॉलम। इसमें रो में एलिमेंट्स की संख्या देखते हैं, और इसके कॉलम में एलिमेंट्स की संख्या देखते हैं, ठीक है। तो इसके रो में बताओ एलिमेंट्स की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है, और इसके कॉलम में एलिमेंट्स की संख्या कितनी, 2 है। तो इसका मतलब 2, 2 के बराबर होता है, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। अब हो जाएगा तो ऑर्डर कैसे मालूम चलेगा, बताइए मल्टीप्लीकेशन। तो इसका हम एक बेस्ट उपाय बता रहे हैं आपको, देखिए अगर ऐसे दिया है कि इसका ऑर्डर दिया है 3x2, इसका ऑर्डर दिया है 2x3, तो पहले वाला का रो कंसीडर कर लीजिए, और दूसरे वाले का आपका कॉलम,
ठीक है। तो पहले को ऑर्डर बताने के लिए, मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर बताने के लिए पहले का हम लोग कंसिडर करते हैं रो और दूसरे का कॉलम। तो जो ए बी का ऑर्डर मिलेगा बच्चों वो 3x3 मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में और हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ आपको फाइंड करना है, दो मैट्रिसेस दे रखा है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, और आपको फाइंड करना है ए बी, ठीक है। तो यार देखो, मल्टीप्लीकेशन निकालने से पहले सबसे पहले आपको स्टेप वन काम करना है, चेक कर लेना है कि क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, या डिफाइंड है नहीं। चेक वेदर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड और नॉट, डिफाइंड और नॉट। कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ए बी पूछा है तो ए का हम लोग देखते हैं रो और बी का देखते हैं कॉलम, कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रो में कितने एलिमेंट्स हैं ये देखते हैं, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये देखते हैं, ठीक है। चलिए ए का रो, ए का रो कौन सा होगा, ये होगा, कितने एलिमेंट्स मिले, 3। ये बी है, बी का क्या चेक करना है, कॉलम, कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो 3 जो है वो 3 के बराबर है, तो ये डिफाइन ये होगा। जब डिफाइंड होगा तो आपको बताना है कि ऑर्डर इसका क्या होगा भाई, ऑर्डर क्या होगा। चलिए ठीक है, इसका क्या ऑर्डर है बताइए, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2x3 है, और ये 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 3x2 है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो 2x3 है, मैट्रिक्स बी जो है वो 3x2 है। देखिए एक बात और, ये मेरे ख्याल से ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा वो डिफाइन है कि नहीं। अगर डिफाइंड होगा तभी तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और मल्टीप्लीकेशन होगा तभी तो आप ऑर्डर बता पाओगे। देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हमने बताया कि जो पहले आता है उसका हम लोग देखते हैं क्या एम की वैल्यू, एम मतलब कुछ नहीं बल्कि रो, ठीक है। और दूसरे का देखते हैं हम लोग क्या, कॉलम, क्लियर है। पहले का हमने क्या देख लिया, रो, और दूसरे का देख लिया कॉलम। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जब आप कर दोगे तो इसका मतलब जो ए बी की वैल्यू आएगी वो जो भी आएगी उसका ऑर्डर क्या रहा होगा, 2x2। क्यों, क्योंकि पहले का एम की वैल्यू 2 है, दूसरे का एन की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से क्या पता चला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो होगा 2x2 होगा। चलिए यहाँ से निकाल कर भी देख लेते हैं, इस रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस कॉलम के साथ तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए बी बराबर हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इस रो का इस कॉलम के साथ क्या मिलेगा, 1x4 प्लस 2x3 प्लस 4x1, ठीक है। इसको और बड़ा कर देते हैं, चलिए प्लस। अब यहाँ दूसरे एलिमेंट्स के लिए देखते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 1x6 हो जाएगा ये 6 प्लस 2x2 4 हो जाएगा प्लस 4x8 ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 9x4 प्लस 8x3 ठीक है प्लस 5x1 ठीक है। अब ये एलिमेंट्स के निकालने के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 9x6 प्लस 8x2 ओके प्लस क्या हो जाएगा, 5x8। तो यहाँ से क्या मिला बताओ, यहाँ से सम करोगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर 4 प्लस 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 32, और ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 24 प्लस 5, और ये हो जाएगा 54 प्लस 16 प्लस 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 4 14, ये हो जाएगा 6 4 10 और 32 10 42, ठीक है। ये हो जाएगा 36 4 40 20 60 5 65 ओके, और ये हो जाएगा 54 6 60 10 70 40 110। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या मिला, 2x2 मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको पूछ रखा है, अगर वो डिफाइन है तो ऑर्डर आप देख के बता दो। क्यों, अगर मान लो ए बी पूछा है तो जो पहले आएगा उसका रो देख लेना, और जो सेकंड पर आएगा कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन खूब अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। एक बार प्रॉपर्टीज इसमें प्रूफ है नहीं मल्टीप्लीकेशन का, तो एक बार आप खुद से भी देख के समझ सकते हो, बाकी तो मैं बताऊंगा।